तो जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तैयारियां जो हैं वो अपने लास्ट राउंड में। ये कहा जा रहा है कि करीब 6 लोग होंगे जो 100 मीटर के दायरे में होंगे, जो आसपास के बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग हैं उन्हें सेफ प्लेसेस पर भेजा गया है। इसके अलावा जो गैस और इलेक्ट्रिक जो दूसरे अप्लायंसेस हैं उन्हें बंद करने के लिए कहा गया था और 7,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ से सेफ प्लेसेस पर भेजा गया है। साथ ही हम आपको उस टीम के बारे में बता रहे हैं जो इस इमारत को गिराने में बहुत ही अहम किरदार निभाएंगे। ब्लास्टर के तौर पर अगर बात की जाए तो चेतन दत्ता होंगे ब्लास्टर, यानी सीधा सीधा सा मतलब वो जो जिस ग्रीन बटन को लेकर आप लगातार बहुत बातचीत और चर्चा सुन रहे हो और पढ़ भी रहे होंगे, दरअसल उस ग्रीन बटन को दबाने का काम, प्रेस करने का काम चेतन दत्ता करेंगे, क्योंकि इंडियन लॉ ये कहता है कि इस काम को करने के लिए भारतीय सिटीजन होना, इंडिया का नागरिक होना जरूरी है। इसलिए जिम्मेदारी जो है चेतन दत्ता को दी गई है। और कैसे 100 मीटर के ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दायरे में आने वाले जिन 6 लोगों के बारे में हम बात करें, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर हैं, साइट इंचार्ज हैं, हम आपको वो पूरी इंफॉर्मेशन इस ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो अब दो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब करीब 1 घंटे का वक्त बाकी है, 2:30 बजे का वक्त रखा गया है ट्विन टावर्स में ब्लास्ट करने के लिए, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के लिए। तो अब करीब 1 घंटे का वक्त बाकी है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में फायर टेंडर्स की मौजूदगी है और दूसरी तरफ आप ट्विन टावर्स को भी देख पा रहे थे। आपको हम ये ऐसे भी समझा सकते हैं कि आप ये कवरेज बार बार क्यों देख रहे हैं, आपके लिए इसे जानना और समझना क्यों जरूरी है। तो भारत में कुतुब मीनार आपके जहन में आती है, जब ऊंचाई की बात की जाती है तो सोचिए जरा, कुतुब मीनार ट्विन टावर से छोटा है। कुतुब मीनार की हाइट की बात की जाए तो 73 मीटर ही इसकी हाइट है, जबकि ट्विन टावर्स की हाइट है 103 मीटर्स। आप भारत ही नहीं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपके जहन में अगर आती है तो उसकी हाइट की बात करें तो वो 93 मीटर्स है। और ये जो ट्विन टावर्स हैं ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचे हैं, 103 मीटर्स इनकी ऊंचाई है, बार बार आपको बता रहे हैं। इसके अलावा पीसा की मीनार की बात की जाए तो सिर्फ 57 मीटर उसकी ऊंचाई है, जो कि अपने आप में काफी है, सिर्फ नहीं कहना चाहिए, काफी ऊंचा है, लेकिन फिर भी ट्विन टावर्स के सामने छोटा पड़ जाते हैं। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो इन ट्विन टावर्स से ऊंची 182 मीटर्स की हाइट के साथ। मेरे सहयोगी राम भी इस वक्त हमारे साथ हैं। राम, वहां पर हम तमाम एजेंसीज के बीच कोलैबोरेशन भी देख रहे हैं, हजारों की संख्या में जो वहां पर रेजिडेंट्स थे उन्हें सेफ प्लेसेस पर भेजा गया है, अप्लायंसेस को बंद करने के लिए कहा गया, सुरक्षा के भी अभी हमने पुलिस कंट्रोल रूम में क्या चल रहा है, कैसे जो पूरी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है इस इलाके में, आपके आसपास जो तस्वीरें हैं उसमें कितनी ज्यादा प्रेजेंस आप, क्योंकि 560 पुलिस पर्सनल की मौजूदगी की बात की जा रही है, 4 QRT की बात की जा रही है, क्विक रिस्पॉन्स टीम की बात की जा रही है, आसपास जो तस्वीरें हैं जरा दिखाइए। बिल्कुल, तस्वीरें हम सीधी दिखाते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कैसा समन्वय है सभी एजेंसियों के बीच में। एक बार फिर से वही तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं समन्वय की, कि कैसे यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और एक बार हम इस पार्क की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बिल्डिंग की ऊंचाई ज़रूर 102 मीटर है, लेकिन उसके तकरीबन 2 किलोमीटर का दायरा जो है वो लगभग सील कर दिया गया है और उसके बाहर बहुत सी गाड़ियां आपको खड़ी हुई नजर आएंगी। यहां से मैं जो देख पा रहा हूं तकरीबन 10 दमकल की गाड़ियां, 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं पार्क, और पार्क के बाहर जो सड़क है वहां पर पानी के टैंकर यहां पर खड़े हुए हैं, कुछ JCB मशीन यहां पर खड़ी हुई हैं, और इसके साथ साथ प्रशासनिक इंतजाम है, पुलिस की कई गाड़ियां अलग अलग बैरिकेड पर मौजूद हैं, ताकि कुछ लोग अगर ये कोशिश करें कि अंदर जाएं या कुछ तस्वीरें खिंचवाने के लिए कौतूहलवश वहां पर प्रवेश करें जहां पर प्रवेश निषेध है, तो उन्हें रोका जा सके, और इसका इंतजाम यहां पर किया गया है। ये तस्वीर जरूर हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर बैरिकेड भी किए गए हैं, और ये जितने भी इंतजाम अदिति आपको नजर आएंगे वो सब एहतियातन किए गए हैं, क्योंकि दावा तो ये है जो डेमोलिश कंपनी है कि 101% यही होगा कि सीधी ये बिल्डिंग नीचे की तरफ गिरेगी, लेकिन एहतियात बरतते हुए 5 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर बेड रिजर्व रखे गए हैं, DM ने यह बताया है। इसके अलावा 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी आए तो कई एम्बुलेंस यहां पर नजर आ रही हैं। आपके पास तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लगातार ट्विन टावर के गिरने से पहले राजनीति, यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं,
उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के भ्रष्टाचार की इमारत है ये, भ्रष्टाचार के तार टिक नहीं सकते हैं, ये कह रहे हैं। सियासत शुरू हो गई है, बीजेपी समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए भ्रष्टाचार के साथ जोड़कर इसको आप जानते हैं भ्रष्टाचार के सिंबल के तौर पर इन ट्विन टास को देखा जाता है और इस पर अब किस तरह पॉलिटिक्स शुरू हो गई सुनिए। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती है। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।